के आदमी ने हमला कर दिया। ओह माय गॉड, तिवारी लाखन पर सख्त पैरा रखो, वो किसी भी कीमत पर यहां से भाग नहीं पाए, और अगर लाखन ने भागने की कोशिश की तो गोलियों से भून दो। तिवारी बी अलर्ट, टेक पोजीशन। कसम है जीसस क्राइस्ट की, जिंदा भागा है लाखन, जिंदा ही गिरफ्तार करूंगा तुझे। अरे खाए खाए के जेल की रोटी बहुत मोटी आ गए है भाई। अरे सुनो, कैसे चला है सब? सब ठंडा चल रहा है। तो है किस्नु, वो हमरे लिए कोई नई राइफल वाइफल बनाई है कि नहीं? सरदार बहुत जल्द बनाऊंगा। चुप चमचा कहेगा तो इन सब को जंग लग गया तुम्हारे पीछे। तुम थोड़े दिन और नहीं आते ना, इन सब की जड़ें भी लग जाती हैं। अरे इमा भलाई है भाई, इस चट्टियल इलाके में इंसानन का दरख्त उग जाते। गाट दाव, तू बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। आई बदल गया देख। ला सरदार टीका भी काट। टीका रहने दे तू, ये तो हमारी जेल की निशानी है, अभी तो ये हमारी जान के संग जाई। देनो तुम पूछी बो क्यों? क्यों सरदार? शर्म की बात है ये, शर्म की बात। छह दिन और छह रात हम पुलिस चौकी में सड़े, हम और जी के कारण ही सब हुआ। वो हराम ज्यादा, वो गद्दार, वो कौन है वो गद्दार? था मैं उस हराम घोर की पोटियां कुत्तों के आगे डालूंगा। आज तुझ पर आती है तो चलन मुझ को होती है, हमला मुझ पर होता है तो जख्म तुझ पर होता है ना बॉल? हाँ मुन्ना। तो बॉल वो हराम घोर कौन है? तेरी कसम मुन्ना, सुबह का सूरज निकलने से पहले वो गद्दार यहां होगा हमारे सामने। और तेरी कसम मुन्ना,
उसका इंसाफ भी हम खुद ही करेंगे, खुद करेंगे हम। बहला की भी इज्जत लूटी, मार गया गुड़िया को भूनी, ग्वाल की दुनिया कर गया चूनी, टूट गया जब उसका सहारा, और कोई भी चला न जा रहा, हाथ में बंदूक पकड़ के ग्वाला बन गया जलती ज्वाला, तुम जानती हो उसके बाद क्या हुआ? नहीं डाकू अंकल। आगे मैं सुनाता हूँ। ना देखा ना सुना हो जैसा, एक दिन हुआ अचानक ऐसा, छोटी सी गुड़िया मिल गई ऐसी, लगती थी उसको बेटी जैसी, गुड़िया ने ऐसा बांधा रिश्ता, जालिम से वो बना फरिश्ता, गुड़िया ने वो जादू था चलाया, एक पत्थर को मोम बनाया, नफरत की जगह भर दिया प्यार, डाकू का बदला संसार, एक मासूम के प्यार से देखो, ग्वाला बन गया फिर से ग्वाला, गाँव में रहता था एक ग्वाला, सीधा साधा भोला भाला, कौन चिल्लाते वहाँ? निम्मो, उसे कबीले में कबूल किया जा रहा है। कौन कबूल कर रहा है उसे? और कौन होगा? तुम्हारा मुन्ना। हमार मुन्ना को तो अब आदत पड़ गई है। ऐ दिनो, तुम पूछी बो क्यों? क्यों सरदार? अरे क्यों क्यों का पूछा था? ये चिल्लम चिल्ली से हमारे कान फटे थे। ढोल बजा ढोल। मुन्ना अगर तुझे सीने से लगाना जानता है तो पांव तले रांधना भी जानता है। हट! आज के बाद कभी ऐसी हरकत की तो चीर के फेंक दूंगा।
कोई सहारा देने की जरूरत है। दीदी ये लोग बहुत खराब है ना, टाकू लोग खराब ही रहते हैं। दीदी पानी पी लो, कहते हैं पानी पीने से मन हल्का हो जाता है। दीदी पानी पी लो ना, पी लो। इस लड़की का क्या कर रहा है? कौन, तारा का? हम जिसकी बात कर रहे हैं दाऊ अच्छी तरह समझता है, लेकिन हम जी की बात करते हैं तू समझत नहीं। दाओ इस लड़की को रख के बेकार की मुसीबत मोल लेने का क्या फायदा? कौन नहीं तो मैं फिर इसे उठाकर इसके घर फेंकाऊं? अरे तारा तो बहुत सुंदर नाचे तेरे। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं दाओ। आजकल बहुत सवाल पूछने लगा रहे तू मुन्ना। मैं उसे उठा के फेंकाऊं या नहीं? नहीं मुन्ना। मगर क्यों? क्योंकि हम कहते हैं इसलिए। दाओ क्या मैं इस हम में शामिल है? मुन्ना देख, जो हम जानते हैं तू जानत नहीं, राजलक्ष्मी यही रहेगी। सर डॉक्टर अंकल, प्रॉमिस अंकल। प्रॉमिस। थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे अंकल, आप कितने अच्छे, आप कितने अच्छे। अंग्रेजी सीखते हैं। प्रॉमिस। दीदी आप जा रही हो? पक जाओ पक जाओ, नहीं तो ये लोग बहुत खराब है, आपको और मारेंगे। मैं किसी को नहीं बोलूंगी दीदी, आप पक जाओ। ये लो मैं आपके लिए खाना लाई, आपको भूख लगी ना, आप पीछे वाले रास्ते से भाग जाओ, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। और बच्चन को लेके पिछली पारी पर भाग जा। ठीक है दाऊ, पिछली पारी के
फिर हाथ से निकल गया। तुझे छोड़ूंगा नहीं लाखन। सरदार गिनती में कितने कम है रे? 25 25 25 बार इसका खानदान तबाह करूंगा मैं। 25 बार ये हरामजादे का खानदान तबाह करूंगा। हरामजादा नहीं, हरामजादी का बताओ। गद्दार की बेटी भी गद्दार ही निकले, इसीने पुलिस को खबर की थी। इसका इंसाफ होगा दाओ। मैं इस गद्दार को इस कबीले में कबूल कर चुका हूं। इंसाफ होगा मुन्ना, ये कुछ सांस लेते देखते हैं, हमारी सांस घुटती जात है। की जानिब खुदाली फेंक दो। ये चद्दर गवाह है कि हमारे पुरखन ने और हमने गद्दार को हमेशा एक ही नजर से देखा है। ये हमारा छोटा सा खानदान है और ये खानदान एक ही उसूल पर जिंदा है कि गद्दार को कभी माफी नहीं मिल सकत है। दीनू तुम पूछिबो क्यों? दीनू तुम पूछिबो क्यों? दीनू दीनू नहीं रहा सरदार, उन 25 में से वो भी एक था। ठहरो लाखन, कब्रें देखो, दो खोदी हैं मैंने। घबरा ना, तुम्हारी लाश के इतने टुकड़े नहीं होंगे कि दो कब्रों में डालने पड़े। लाशें दो होंगी, एक बड़ी और एक छोटी। मतलब इंसाफ की बात है तो इंसाफ पूरा होना चाहिए। गद्दार अकेली मैं नहीं, एक और भी है जिसने मुझे भागने में मदद की। कौन है रे मुन्ना? कहाँ बोला था ये? आज मैं भी तुम्हारा इंसाफ देखूंगी लाखन। अगर एक गद्दार मैं हूं तो दूसरी गद्दार है तुम्हारी राजलक्ष्मी, जो तुम्हारे साय में खड़ी हुई है। हाँ, इसी ने मुझे यहाँ से भाग जाने में मदद की। पूछो राजलक्ष्मी से। हाँ, आप सच कहती हो दीदी। अब मैं देखूंगी लाखन का इंसाफ क्या होता है। बकवास बंद कर। Thank you.
का इंसाफ करो। हां दाओ, डॉक्टर अंकल इंसाफ करो। डॉक्टर अंकल, हां डॉक्टर अंकल करो ना इंसाफ। अंकल करो ना इंसाफ। पत्थर के सीने में पत्थर का दिल मौन नहीं हो सकता। दाओ, पुरखों की चादर तुम्हारे कंधों पर है, इसकी लाज तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। इंसाफ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुन्ना, इस चादर पर आज तक किसी मासूम का खून नहीं लगा मुन्ना। लेकिन चादर ने आज तक कभी किसी गद्दार को माफ भी नहीं किया। दाओ, यही इस खानदान का असूल है। तो फिर आज से हमको इस खानदान से अलग ही समझ ले मुन्ना। ताओ, जिन लोगों ने तेरे खून के साथ अपना खून बहाया, जिनके दिलों की धड़कन तेरे दिल की धड़कन के साथ चली, क्या तो उनको तीसरे खून के लिए छोड़कर चला जाएगा? हाँ मुन्ना, हम जाते मुन्ना। रुक जाओ दाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। दाओ, अगर एक के लिए हम सबकी जान ले सकते हैं तो सबके लिए एक ही जान ले भी सकते हैं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। राजा जी, क्या हुआ राजा जी? कुछ नहीं। क्या हुआ? एक गिलास पानी पिला दे हमको। ये लो। तेरे पास रेशम की कितनी साड़ी? क्यों क्यों? अरे हम पूछते हैं इसलिए। पांच। पांच? हाँ। तो सबको जलाई के बुक्की बना के ले आ, जख्म में भरनी। राजा जी, गोली लगी है पुलिस की ना? अरे ना है पुलिस की, नहीं, मुन्ना का तोहफा है, तोरे देवरिया का। हमें काम करेंगे, गोली यहाँ से निकाल के ना एक लॉकेट बनाएंगे, लॉकेट, और फिर यहाँ लगा। अरे टुकुर टुकुर का देखा था हमका, हमारी लाश में भरेगी क्या बुक्की? कैसी बातें करते हो? जाओ फिर जल्दी। बेटी गजब हो गया, पुलिस हमारे कोटे की तरफ चली आ रही है। ठीक है तुम जाओ, मैं लो इनकी कमी थी, ये भी आ गए। चलो एक तरीके से भलाई हुई, तोरी रेशम की पांच साड़ियां बच गई। राजा जी, ए, जा संभाल। और सुन सुन, यह ना मुनिया, ये हमारी बिटिया, तुहार बिटिया, एक ख्याल रखना, ये हमारी अमानत है, तोरी जान जाए ही ना जाए, समझे? राजा जी तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अरे संभाल लेगी तो जा, संभाल। पहले तुम तो जाओ। अरे हम जाते तो जाते के लिए छुड़ैल। जाती। चलो डाकू अंकल, हम लोग जाएंगे। ए मुनिया,
हम जात है, तू यही रहेगी इस घर में। ये जो औरत है ना, हमारी बहुत खास है। हाँ। एक ही बात सुनना, हम आके ले जाएंगे तुझे। अच्छा। जा। Oh,
कार को। खुदा गारत करे कहीं कोई कांटा तो नहीं चुभ गया पाँव में। गुलाब जान वो आया था यहाँ। कौन हुजूर? हाँ हवा का झोंका आया था, मेरे अंग अंग को छू के चला गया। आप भी? ए लड़के, मैं लाखन की बात कर रहा हूँ, मुझे पता चला है कि वो यहाँ आता है। खुदा गारत करे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे उसकी नजर में आ जाती तो फिर अपनी दुकान खोल के इस तरह थोड़ी बैठी होती। अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं तो ये क्या है, किसका है खून? हाय हाय रे हाय, खुदा गारत करे अपना ही है हुजूर। अपना क्या मतलब? देखो ना, सेब कट्टे मेरा हाथ भी कट गया, खून खून फैल गया। ये क्या किया है तूने? तुझसे कितनी बार कहा है मैंने तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहा कर। खुदा गारत करे अब तो आपकी समझ में आ गया, खून भी नहीं रुका है। ठीक है मैं जाता हूँ, मगर याद रहे गुलाब जान तुम्हारे कोठे पर कोई। या परवरदिगार उनकी हिफाजत करना। से निकल गया। इंस्पेक्टर तिवारी चलो। अगर एक आवाज भी बाहर आई ना तो ये चाकू कलेजे के अंदर चला जाएगा, समझे? समझे? तुम्हारा नाम लता है? हाँ, मेरे हाथों से तू ले गया था ना राजलक्ष्मी। कहाँ है मेरे राजू? मुझे मेरे राजू वापस कर, नहीं दिखा मैंने। सुन, राजू जिंदा है। हाँ राजू जिंदा है, वो मुर्दा किसी और का था जिसको दीवान ने जलाया था, ये सब उसका नाटक था। सच कह रहे हो लाखन? लाखन कभी इतना बेबस नहीं हुआ कि झूठ बोले, इसीलिए तो लाखन कुत्तों की तरह इधर से उधर भटकता फिर रहा है। उस बच्ची की खातिर अकेले हो गए हम, एक तरफ मुन्ना है दूसरी तरफ पुलिस की गोलियां है। कहां मेरे राजू? अरे तुम्हें क्या हुआ? एक काम कर, जाके थोड़ा सा पानी गर्म करके लिया और रेशम की साड़ी है ना, उसको जलाकर उनकी बुक्की बना के लिया, भर देंगे। हम मर जाएंगे ना तो बच्ची कभी नहीं मिलेगी। अभी ले जा, जल्दी कर। ये लो, इसमें हल्दी डाली है, जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे अच्छा तो तुम्हारी राजू ने हमको पहले कर दिया, अब इससे अच्छा डाकू लाखन और क्या हो सकता है। महेंद्र बाबू का तो राजलक्ष्मी जिंदा है क्या? हाँ, हमारी खुशकिस्मती से डाकू लाखन पुलिस से छुपता छुपाता यहाँ आ गया है। लाखन दोस्त है।
एक बार तुम हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए रहे, हम इनकार कर दिए। आज हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मंजूर है? बच्ची, वो सब नाटक था, नाटक। राजलक्ष्मी हमारे पास महफूज है, हम उनके दुश्मन नहीं। उनका दुश्मन वो कुत्ता है, दीवान। उसकी सारी जायदाद हजम करना चाहता है वो, समझ गए तुम? अपन को पहले से मालूम था वो साला महेंद्र। अरे वो महेंद्र बाबू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कुत्ता है ना, दीवान, वो जो हवेली के अंदर छुप के बैठा है, वो को हवेली से बाहर निकालना है, बाहर। आज ना वही इस राज की कुंजी है। हुजूर, डाकू लाखन और मुन्ना दोनों अलग हो गए हैं। लाखन पुलिस से छिपता फिर रहा है। पीटर जी हुजूर, हमारे घोड़े तैयार करो। क्या हुजूर शिकार पर जाएंगे? हाँ, शिकार पर जाएंगे और शायद रात को लौटेंगे भी नहीं। अच्छा हुजूर। जब ये दो मुहा सांप टूट ही गया है तो अब इसे जुड़ने नहीं दूंगा। ये सब तुमसे मिलने की तरकीब है, गुड़ होगा तो खाने वाला भी आएगा। तरकीब? ये तरकीब तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। तुम दीवान हरी प्रसाद हो ना? बिल्कुल ठीक समझे। आओ मेरे साथ खेमे में चलो। आओ वो अपना काम कर चुकी है, अब तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे साथ जाएगी। आओ। बड़ा अच्छा नाश्ता है। ये 5 लाख रुपए, इतने ही और मिलेंगे। काम क्या है? जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। मेरी एक प्यारी बच्ची को उड़ा कर ले गए थे। जिंदा है ना वो? हाँ जिंदा है वो। ये उसकी जिंदगी की कीमत है। बच्ची तुम्हें जिंदा वापस चाहिए? वापस भी नहीं चाहिए, जिंदा भी नहीं चाहिए। दीवान हरिप्रसाद, लाखन का जिंदा होते हुए ये काम नामुमकिन है। तो फिर लाखन की मौत के बाद से ही लाखन की लाश मुझ तक पहुंचा दोगे तो 5 लाख रुपया और तुम तक पहुंच जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन दीवान तुमने ये पैसे लाखन को क्यों नहीं दिए? वो भी तो यही चाहता था। गलती हो गई, अमीर आदमी हूं ना, इसलिए पैसे का लालच हो गया, लेकिन अब समझ आ गई है।
देर आए दुरुस्त आए, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों बेटी? हाँ ना, ध्यान रखना। गली के नुक्कड़ पर रहमू चाचा बग्गी लेके खड़े होंगे। तुम बेफिक्र रहो। और देखो, मैं यहाँ सबको कह के जा रही हूँ कि मैं मैनपुरी जा रही हूँ, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली टांगा पहुँचेगा। मैं रास्ते में लाल अमरी उतर जाऊंगी, राजा जी वहीं मिलेंगे। अच्छा चल बेटी आ। हाय अल्लाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। लगी तो नहीं ना? नहीं हा? नहीं। अच्छा चल 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 चल। क्या खबर लाए हो? खबरें दो हैं, एक अच्छी एक बुरी। जो खबर बुरी है पहले वो सुनाओ। गुलाब जान के कोठे पे गया था, फिर वो मिली नहीं। इसका मतलब वहां से चली गई? हाँ चली गई, पुलिस को उसकी लाश मिली थी। जो खबर अच्छी है वो सुना। अच्छी खबर यह है कि राजलक्ष्मी नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि राजलक्ष्मी पुलिस को नहीं मिली, मुन्ना को नहीं मिली, तुझे भी नहीं मिली। तो राजलक्ष्मी भटकत है, उसको ढूंढना होगा, राजलक्ष्मी को ढूंढना होगा। Yeah.
कर मेरी मम्मी के पास लेके चलो। टोकन को मेरी मम्मी के पास लेके चलो। अच्छा, मम्मी राजू मैं आ रही हूँ। राजू अभी अभी ये क्या पागल बन राजू मुश्किल में है, मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। अभी आपने कितनी बार कहा है कि राजू अब नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो, अभी मुझे जाने दो। राजू अब नहीं रही, तुम कह रही हो कि दूसरी दुनिया से बुला रही है। राजू हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। भाभी मैंने तो ये महल तक अनाथालय को दान दे दिया है। राजू की मूर्ति बन रही है जिसे अनाथालय के गेट पर लगाया जाएगा। राजू अब नहीं रही भाभी, और तुम कह रही हो कि राजू तुम्हें बुला रही। मुझे बुला रही भाभी, राजू अब नहीं रही, मुझे बुला रही भाभी। चंदा राजू के पास जाने दो, मुझे मेरे राजू। भाभी भाभी संभालो अपने आप को, मेरे राजू के पास जाने दो, अंदर ले जाओ। मेरी बच्ची मुझे बुला रही है। अंकल जल्दी आना, हमें भूख लगी है। हम बहुत जल्दी आएंगे मुनिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ चुपके से बैठना, हमरे आने तक बिल्कुल बाहर मत निकलना, समझे? टाकू अंकल अपना भी ख्याल रखना। मुनिया हमने आज तक जिंदगी में कभी अपना ख्याल नहीं किया, लेकिन तोरे आने के बाद हमें अपनी जान बहुत प्यारी हो गई। यहाँ से हिलना मत बिल्कुल। इधर देखो, मंगल ही मंगल है मेरा रे। क्या दीवान जी ने तुमको भी हमारे लिए जंगल में रख छोड़ा है क्या? मुन्ना तू तो हमारा नाम भी जानती है, कोई ढूंढती फिर रही थी क्या? नहीं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो और वो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिली। ओ तुम लता हो जिसके बारे में महेंद्र बाबू ने कहा था कि दुश्मनों में गोलियां चल जाएंगी और दोस्तों में पर्चियां बढ़ जाएंगी। है? अरे ये पर्ची तो मुन्ना के नाम लेके पड़ी है। जाती कहां है? गिर गई ताली। कमीने, यहां जो तूने मुन्ना पर उठाया है यही हाथ मुन्ना को चाम पिलाएगा, और जिन पैरों से तुम मुन्ना के आगे से भागी है वही पैर मुन्ना के लिए नाचेंगे, समझे? हाथ क्या पकड़ता है, मत का हाथ पकड़। रख उठा के फिर
का मुंह खुलवाने के काम आएगा। उठा गया साथियों, हमने सुना था मुसीबत में लड़कियां बहुत अच्छा नाचती हैं। तुमने सुना था? और हमने ये भी सुना था कि उनकी आवाज भी सुरीली हो जाती है। तुमने सुना था? आज हम ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। हाँ जान अमन, छोड़ दो इसे। छोड़ दूँ? छोड़ दूंगा, लेकिन अपने हाथों से जाम का एक घूंट तो पिला दे। एक जामा ला। जनमन, हमने जाम पिलाने को कहा था, नहलाने को नहीं। लो लो ना? ठीक है। अब आए रास्ते पे आ गया ना। ए बाबूला, क्या
फिर पाओ बनी जवानी, जिंदगानी दीदी रे जानी माँ, तू जो कहे ना चल मैं आ गया हूँ ना। चुप रहिए, मुझे मालूम है कि राजलक्ष्मी जिंदा है। अच्छा तो मर जाएगी, जल्दी कैसे है? चुप रहिए, अब तो तुम्हें अंकल कहते हुए शर्म आती है। मुझे भी शर्म आती है जब तुम मुझे अंकल कहती हो। क्यों मुन्ना? आओ दीवान हरि प्रसाद। क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। हमने सारा इलाका छन्नी से छान दिया है और वो अब चारों तरफ से घिर चुका है। हम सबको मालूम हो गया कि वो पीली पहाड़ियों में छिपा हुआ है। आज का वादा तो नहीं करता, लेकिन कल तक राजलक्ष्मी जिंदा या मुर्दा हमारे पास होगी। वैसे आज तो मुझे भी फुर्सत नहीं है। राजलक्ष्मी अनाथालय का फाउंडेशन स्टोन रखना है। कमीने हथियारे तो तुम हो, डाकुओं पर तो झूठा इल्जाम है। गालियां कितनी अच्छी लगती हैं तुम्हारे मुंह से, चूमने को जी जाता है। दीवान साहब बहुत पसंद आ गई क्या? ले जाए इसे, ये मुन्ना की तरफ से दोस्ती का तोहफा है। साहब को जी में डाला इसे। मुन्ना कबूतर शुक्रिया, राजलक्ष्मी के लिए कल सुबह आऊंगा। आना जरूर, लेकिन दीवान साहब माल लेकर। अरे फिक्र मत करो बेटा, जिंदा रहे तो वहां का गाना भी देखने को मिलेगा। लो सरदार, लाखों रुपए की लक्ष्मी उठा के लाया हूं। झाड़ियों में छुपी पड़ी थी, लाखन की टहनी से तोड़ के लाया हूँ। ये जो तूने करिश्मा कर दिखाया है, इसके बदले में आने वाले लाखों रुपए में सबसे बड़ा हिस्सा तुझे मिलेगा। इसलिए नहीं कि भीमा जिसे पकड़ कर लाया है उसके बदले में हमें लाखों रुपए मिलेंगे, बल्कि उसे पकड़ कर लाया है, उस कत्तार को पकड़ कर लाया है जिसका इंसाफ होना अभी तक बाकी है। साथियों, पुरखों की यह चादर गवाह है, जिसने आज तक किसी भी गद्दार को माफ नहीं किया, और अब हम भी किसी गद्दार को माफ नहीं करेंगे। ये हमारा एक छोटा सा खानदान है, और ये खानदान सिर्फ एक ही कानून पर जिंदा है कि अगर हम सब एक के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो सब के लिए एक की जान ले भी सकते हैं। जल्दी करो अंकल, अगर डाकू अंकल आ गए तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। अंकल जिंदगी में दोबारा तुझसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं थी मुन्ना। अच्छा हुआ लाखन तुम भी यहां चले आए। कत्तार तो तुम भी हो, लगे हाथ तुम्हारा भी इंसाफ हो जाएगा। ये ख्वाहिश तो तू छोड़ दे रे मुन्ना। मैं मुन्ना नहीं, ना ही अब तुम दाव हो। मैं सरदार हूं उस कबीले का और तुम गद्दार।
अच्छा, ये का फैसला कौन किया है मुन्ना? ये हम सब का फैसला है। तनिक हम भी पूछ के देख ले सबसे। कर लो पूछ कर अपनी तसल्ली। तुम सब हमरे बच्चे हो कि नहीं? मुन्ना भी हमारा बच्चा। मुन्ना सरदार बने ही मां हमको बहुत खुशी है, लेकिन अभी तक लाखन जिंदा है और एक सरदार के होते हुए दूसरा कौन सरदार बन सकत नहीं। दो चार बच्चे तो हो सकते हैं, दो चार बाप नहीं हो सकता। हम ठीक बोलते हैं? तेरा नाम क्या है रे? जी सरदार। सरदार का तो अभी फैसला नहीं हुआ, हम तुझसे तेरा नाम पूछते हैं। हमारा नाम सेरा है। सेरा ही नाम कौन दिया तुझको? आपने। हम कहां से उठा के लाए थे तुझे? औरतों के बाजार से। वहां क्या करता था तू? भीख मांगता था। तुझे बंदूक चलाना किसने सिखाया? आपने। और अब तू बंदूक हम पे उठाएगा? नहीं सरदार, नहीं सरदार। चौधरी सरदार। चौधरी? हाँ सरदार। तुझसे बड़ा भी एक चौधरी था ना? हाँ सरदार। जिसने तेरी खेतों में आग लगाई, तेरे खानदान को तबाह कर दिया, तेरी बहन को उठा के ले गया? हाँ सरदार। भागने से पहले उस खानदान में कितने खून किए तुमने? एक सरदार। और हम कितने खून किए उस खानदान में? पांच सरदार। कोई बचा था वहाँ? कोई नहीं सरदार, कोई नहीं। हम किसके लिए किए रे? हमारे लिए सरदार। उसके बाद तुम्हारी बहन की शादी हुई? हुई सरदार। किसने करवाई शादी? आपने करवाई सरदार। हमें माफ कर दो सरदार, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हमें माफ कर दो सरदार। कृष्णा माफ कर दो सरदार, हम माफी मांगते सरदार। हमें माफ कर दो सरदार, हम शर्मिंदा हैं। रही बात मुन्ना की, यही तो हमारा हिसाब चुकता कर हमका जेल से छुड़ा के लाया था मुन्ना। हिसाब तो चुकाना बाकी है लाखन, और वो हिसाब तुम आज ही चुकाओगे। सवाल सरदारी का नहीं बल्कि गद्दारी का है। ये सब मैंने तुझसे सीखा है, और गद्दार को सजा देना भी तू नहीं सिखाया मुझको। लाखन ये सब लोग तुझसे बंधे हुए हैं, लेकिन मैं पुरखों की इस चादर से बंधा हुआ हूं। बात खुश क्या मुन्ना तूने हमका? अरे तोरे हाथ से अगर हमारी मौत भी होगी ना भैया, बहुत खुश हो जाएंगे। जंग होगी मुन्ना, तुम्हारे साथ हमारी जंग होगी। चल मुन्ना, हमार पुरखन की पवित्र चद्दर उतार। मालिक का लाख लाख शुक्र है मुन्ना, ये दोस्त दिया सो बराबरी का, दुश्मन दिया सो बराबरी का। बांधो हम दोनों के हाथ, याद रहे कोई आएगा नहीं हम दोनों के बीच। अरे कोई आएगा तो खुदा ही मरेगा साला।
छोड़ देंगे, उसके बाद जाके खुद उनको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये लड़ाई लाखन की जिंदगी क्या है? आखिरी लड़ाई तो भी बाकी है लाखन। अरे बाबू कौन भगत आया हमको ले जाने के लिए? हम खुद आ रहे थे अपने आप को तूने हाथ सौंपने के लिए। अरे डाकू की जिंदगी तो ही छुड़ा दिया हमसे। लेकिन बाबू हमारी एक विनती है, हम अपनी मुनिया को पहले एक माँ के हवाले करना चाहते। माँ भी यही है उसकी लखन। कहाँ है मेरे बच्चे? राजू, छोड़ो। आने ना बच्ची को। ना बाबू, बच्ची को माँ की गोद में हम ही देंगे, ये माँ हमारी खुशी। किसी भी तरह की कोई चालाकी की तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे लखन। दातार की इंस्पेक्टर बाबी, पुलिस वाले हो ना, कौनों का भरोसा नहीं करते। चल मुनिया माँ के पास जा। मम्मी! देवर जी! बच्चा छोड़ दे, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे को छोड़ दे। मुझे क्या मालूम था कि मैंने अपने घर में तीन का सांप पाला हुआ है। खबरदार, कोई आगे बढ़ा दो वरना बच्ची का सर उड़ा दूंगा। देवान साहब, अब आपका खेल खत्म हो चुका है। आपको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी ही पुलिस मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता देगी। ये मत भूलो कि इस बच्ची की जिंदगी मेरी जिंदगी में है। रास्ता दो मुझे इंस्पेक्टर। दीवान जी को रास्ता दे दिया जाए। बोलते हैं
कि अब हम जा रहे हैं कुरीन को पुलिस के हवाले करने। हम तुम्हारे सरदार हैं, इसलिए तुम सबसे कहना चाहते हैं कि जो हथियार एक बार फेंक दिया हो उसको दोबारा उठाओ मत, मत उठाओ। टुकर टुकर हमी तरफ का देखो तो तुम, हाँ सुसरी बुराई में हमारा साथ दो तुम लोग। आज अच्छाई के लिए कहते तो साथ नहीं दोगे क्या? शुक्रिया लगा, जिंदा खुद को मेरे हवाले करके तुमने मेरी कसम की लाज रखी। हवलदार के होते हुए पुलिस के हवाले नहीं होगा। इंस्पेक्टर, तो सुने हमने मुन्ना ने क्या कहा? उसने कहा कि तो हमको जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। हम जाते हैं इंस्पेक्टर, अब हमको गिरफ्तार कर सकते हो तो करो। जब तक तेरा मुन्ना जिंदा है ना, तुझे कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। मुन्ना है ना, या हमारा मुन्ना जिसको छुड़ाई देता है ना, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। दाऊ को जिंदा नहीं पकड़ सकता तुम। दाऊ मुन्ना, तेरे दाऊ के जाए का वक्त है ना मुन्ना। आएगा आ, हमका पटाई दे, खत्म कर दे झगड़ा भाई। ए तू उठ नहीं सकता है क्या? उठा इधर आ, मैं आता हूं। तेरी बंदूक से निकली हुई गोली हमको पड़े, हम उठ नहीं सकते भैया। लेकिन लेकिन हमारी मारी गोली से तो तू उठ सकता भैया। अरे हम तो बहुत प्यार से गोली मारे भैया तुझे। उठ, हमें गले मिल एक बार, हमें छाती ठंडी कर करने भैया। ना क्या भाई, वो रखवाला
था एक ग्वाला